एक बार फिर से मैं लोकसभा चुनाव की बात करूंगा। लोकसभा चुनावों को लेकर आपने कहा ठीक है, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर आप लोग वोट मांगेंगे, लेकिन ये जो फिगर आ रही है 370 400 पार, ये कहां से 400 पार और 370 की फिगर आपको लगता है? देखिए, ये जो चुनाव है ना, ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक का चुनाव नहीं है, ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है। एक पॉलिटिकल अर्थमेटिक होती है जिसमें 1+1 2 होता है, और एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री होती है जिसमें 1+1 11 होता है। ये 1+1 11 का चुनाव है क्योंकि देश के अंदर मोदी जी ने जिस प्रकार के काम किए हैं, आज देश का ऐसा कोई तबका नहीं है, कोई तबका जी, सभी जाति के, धर्म के, वर्गों के लोगों को ये लगता है कि इस देश को अपने मकाम तक कोई पहुंचा सकता है तो मोदी जी पहुंचा सकते हैं। और लोगों को ये बात भी ध्यान में आती है कि अगर मोदी जी के सामने हम लोग अल्टरनेट के रूप में किसी को देखें, अल्टरनेटिव के रूप में, तो दूर दूर तक, कोसों मीलों तक कोई अल्टरनेटिव नज़र नहीं आता। तो मेरा अपना ये मानना है, जो मेरा राजनीतिक तजुर्बा है उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि लोगों ने मन बनाया है, लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं जी, इसलिए इस चुनाव में पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पंडित 1+1 2 लगा रहे हैं, ये 1+1 2 नहीं चलेगा, 1+1 11 ही होने वाला है। ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री पे चुनाव जाएगा। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, ये जो नारा दिया है, ये निश्चित रूप से आपको यथार्थ में आता हुआ दिखाई देगा।